नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज तीन बड़ी खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देवभूमि में सावन के पहले सोमवार की बात करेंगे और सावन के पहले सोमवार पर बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का किस कदर हुजूम उमड़ पड़ा है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बताए, मौसम विभाग से जुड़ी हुई है जिसने पहाड़ों पर अगले तीन दिन यानी 19 से 21 जुलाई तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और तीसरी बड़ी खबर की बात करें जो राजनीतिक लिहाज से काफी अहम है, सबसे बड़ी खबर भी इसको कहा जा सकता है, राष्ट्रपति पद का चुनाव है आज और आज उसके लिए वोटिंग होनी है जिसके लिए उत्तराखंड के सीएम धामी पहले ही सभी विधायकों संग मीटिंग कर चुके हैं। तो इन तीन बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो एक तरफ सावन के पहले सोमवार के चलते किस तरह से शिव भक्तों में उत्साह है और बड़ी संख्या में सुबह सवेरे से शिवालु का रुख कर रहे हैं, जलाभिषेक का यहां पर किया जा रहा है भक्तों की तरफ से। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से तीन दिन का रेड अलर्ट, अगले जो तीन दिन है वो बेहद चुनौतीपूर्ण। तो तीसरी बड़ी खबर राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। तो हरिद्वार से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का लगा तांता, हर की पैड़ी पर स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु, गंगा स्नान के बाद भक्त कर रहे महादेव का जल अभिषेक। तो प्रशासन के सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है, मंदिरों आश्रमों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो बड़ी जानकारी हरिद्वार से, सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का तांता, हर की पैड़ी पर स्नान करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और ऐसे में कांवड़ियों को, शिव भक्तों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इसको लेकर भी सुरक्षा और व्यवस्था चाक चौबंद। तो बता दें कि गंगा स्नान के बाद भक्त महादेव का जल अभिषेक कर रहे हैं, प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद, मंदिरों और आश्रमों में लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। तो ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा घाटों पर किस तरह से आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु। तो ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा घाट पर, हरिद्वार की ये तस्वीर है किस तरह से एक तरफ सुरक्षा चाक चौबंद है, दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का किस तरह से रैला उमड़ रहा है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पहले गंगा घाटों पर पहुंचकर आस्था की डुबकी और उसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक। सावन का पहला सोमवार और पहले सोमवार के दिन किस तरह से जो श्रद्धालु है वो उत्साहित और इस उत्साह में कोई भंग ना डाल सके इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। मंदिरों और आश्रमों में लंबी लंबी कतारें जो हैं वो श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। हरिद्वार ही नहीं बल्कि विदेश भर से इसी तरह की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है और हरिद्वार में शिव भक्तों का तांता यहां पर लगा हुआ है। वैसे तो सावन का हर दिन शिव को समर्पित है लेकिन सावन का पहला सोमवार के विशेष महत्व है। अगर आप इस दिन गंगा में स्नान करते हैं और उसके बाद जल अभिषेक करते हैं शिव का, तो आपको इसके दोगुना फल मिलता है और साथ साथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अभी हम मौजूद हैं हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। भक्त यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं और उसके बाद शिव को जल अभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार में अभी कांवड़ यात्रा भी चल रही है जिसके चलते भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और अनेक राज्य से यात्री और श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं और माँ गंगा से आशीर्वाद मांग रहे हैं और यहाँ से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको इस तरफ भी दिखाना चाहूंगा कि कई लोग कांवड़िया यहाँ से निकल रहे हैं, रवाना हो रहे हैं अपने गंतव्य के लिए और अभी तक 20,70,000 लोगों ने यहाँ से जल भरकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये कांवड़ यात्रा है इसमें कितनी भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है। कांवड़ यात्रा के चलते इतनी भीड़ हो गई है हरिद्वार में कि अब ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा रही है। तुषार गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, हरिद्वार।
तो हरिद्वार से एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। सावन के पहले सोमवार के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट, मंदिरों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बॉम्ब डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड अलर्ट मोड पर है, तो ड्रोन से भी मंदिरों की निगरानी की जा रही है। तो धरती से लेकर आसमान तक जो नजर है वो अराजक तत्वों पर रखी जा रही है। मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। मंदिरों के बाहर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात, किस तरह से चप्पे चप्पे पर निगरानी है वो आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर, कोई चूक यहां पर ना हो इसको लेकर धरातल से आसमान के जरिए निगरानी। तो चले बढ़ेंगे आगे, और उत्तराखंड में अगले 3 दिन बड़े चुनौतीपूर्ण है।